लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ए, कौन है रे? मैं हूं। क्या है रे इस टाइम पे? चल अभी सुबह बात करेंगे। मेरे को तेरे से अभी बात करने का है, टेरेस पे। ए, बोला ना, चल अभी सुबह बात करेंगे। चल देख तेरे दोस्त की फोटो। तूने जिसे भागने दिया वो मेरे घर में मेहमान है। सॉरी मैंने बताया नहीं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम विराट है, इंडियन आर्मी। सिर्फ उतना ही नहीं, DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका एक स्पेशलिस्ट हूं मैं। फौज में सीक्रेट एजेंट। ये बात मेरे साथ काम करने वाले मेरे दोस्त, यहां तक कि मेरी फैमिली को भी नहीं पता। ये सब मैं तुझे क्यों बता रहा हूं? आई एम श्योर तू यही सोच रहा है क्योंकि तू जिंदा कहां रहने वाला है। हम लोग जब बॉर्डर पे होते हैं तब दुश्मन हम पर गोली चलाता है, बदले में हम उन पर गोली चलाते हैं। ये तो अक्सर होता रहता है। एक दिन हमारे कैंप में अशरफ नाम का एक बंदा था, अपने शोलापुर का ही था। अचानक साला लापता हो गया बेचारा। 7 दिन ढूंढने के बाद भी कहीं नहीं मिला। 8वें दिन पे मिला, दुश्मन के कैंप में फंसा हुआ था। दुश्मनों ने उसको 7 दिन टॉर्चर किया, उस बेचारे की दोनों आंखें नोच ली, फिर बियर बॉटल को लेके उसके पिछवाड़े में डाल दिया और फिर उस बॉटल को वहीं फोड़ दिया। बहुत बुरा किया उसके साथ, बल्कि हमने उसकी डेड बॉडी उसके घर में देके आए थे। उसकी मां रो रही थी, बाप सर पीट रहा था, बहन चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पूरे परिवार का बहुत बुरा हाल था। लेकिन 10वें दिन उसके छोटे भाई ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली। तुम लोग परिवार के साथ यहां चैन से जियो, इसलिए हम लोग रोज बॉर्डर पर मरते हैं। ये लोकल मेड गन है, ये मेरी गन है। अगर मैंने तुझे गोली मारी तो क्यों मारी ये सबको बताना पड़ेगा। मरने के बाद भी तेरी फैमिली तेरी लाश पर थूकेगी, तेरे बच्चे सिग्नल पर भीख मांगेंगे, तेरी बीवी रात को सड़क पर खड़े होकर अपने आप को बेचेगी, और अगर तूने खुद को गोली मार ली तो ड्यूटी पर सुसाइड मानकर तेरे परिवार में किसी ना किसी को नौकरी मिल जाएगी, प्रोविडेंट फंड के पैसे मिलेंगे, पेंशन हर महीने टाइम पर आ जाया करेगी। अब तू डिसाइड कर कि दोनों में से कौन सी बंदूक उठाएगा। और हां, अगर ये बंदूक की नली मेरी तरफ मुड़ी तो मैं तुझे उड़ा दूंगा। बहुत बड़े खतरे से टक्कर ले रहा तू।
हूं कि तू और एसीपी सारी बातें नहीं जानते। दादर, बॉम्बे सेंट्रल, बम्बई में 12 जगह पर ब्लास्ट। कब? 27 को। कितने बजे? शाम को 4 बजे। मराठी को बटा लिया। हाँ, देर शानी है। मुझे अरे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मेरी शादी हो रही है थोड़ी देर बाद। सुन, तू अगर नहीं चलेगी ना तो मेरा सर फट जाएगा। चल अभी।
किसी के नहीं पकड़ेंगे। चल कंग्रेचुलेशंस। क्या देख, कॉलेज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैं जब विनर थी, तू सेकंड रनर अप पे पहुंच के हार गई थी। ओके कंटिन्यू। तेरे हॉस्टल रूम में ऋतिक, सलमान, जॉन के पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो क्या तो इस टकले से क्यों शादी कर रही है? देख, 10 फिल्म स्टार से ज्यादा है नहीं, लेकिन इंडिया में 30 करोड़ लड़कियां हैं। तो प्रैक्टिकली सोचो यार, अच्छा दिखने वाला अकलमंद होता नहीं है, और अकलमंद अच्छा दिखता नहीं है। ओए सुन सुन सुन, और जो अकलमंद हो और अच्छा भी दिखता हो उसका क्या? उसके हाथ जोड़, पैर पकड़ और शादी कर ले उससे।